आज एक बार फिर से निवेश जगत का बहुत जाना माना नाम मेरे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह जुड़ गए हैं। ताहिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत कोशिश करने के बाद आपने फाइनली हमारे शो को समय दिया मेरे ख्याल से। धन्यवाद आपको एक बार फिर से इसके लिए। तो ताहिर, बाजार का जोश कैसा है, क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक मूड ओवरऑल अपबीट है अभी भी। मतलब देखिए, मैक्रो पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो आई थिंक ऐसी कोई इमीडिएट जो वरी साइन होती है वैसे कोई हमें दिख नहीं रहे, आदेश नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करना एक अलग प्रक्रिया है और रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना होता है। एंड आई थिंक वही हमारा काम रहता है कि भाई हम भले ही रिटर्न्स की अपेक्षा करें और रिटर्न्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो आइडेंटिफाई करें, लेकिन ओवरऑल रिस्क कंट्रोल भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। तो आई थिंक एक ऐसा पॉजिटिव सिनेरियो अभी भी है रिटर्न्स की। आप रिटर्न्स कमाने के लिए मतलब आप आइडिएशन करें, आप निवेश करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी रिस्क का भी कंट्रोल और उस पर भी नजर रखते रहे। आई थिंक दैट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू अडॉप्ट इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट। ये मार्केट इज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, लेकिन ऑब्वियसली वी नो कि सस्ता नहीं है। और कुछ अगर ऐसी जो डेवलपमेंट्स है जो शायद मार्केट्स ने ना सोची हो, अगर वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है तो आई थिंक मार्केट्स में वॉलिटिलिटी इंक्रीज हो सकती है। आई थिंक वो हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। तो एट पोर्टफोलियो लेवल जो भी हमें करना होता है इन ऑर्डर टू बैलेंस द पोर्टफोलियो या उसको रिस्क मैनेज करना जो होता है उस पे हम इक्वल ध्यान देते हैं जितना हम आइडिएशन और नए अपॉर्चुनिटीज की ओर ध्यान देते हैं। एब्सोल्युटली। ताहिर, क्योंकि आप आज हमारे साथ शो में हैं तो मैं चाहती हूँ कि जो हम बाज़ार की बात लगातार करते रहते हैं ऑन द चैनल, और आप भी शायद सब जगह जाके करते होंगे, बिकॉज काम यही है बाज़ार को लोगों को समझाना है कि बाज़ार की दशा और दिशा कैसे रह सकती है, और आप जैसे मार्गदर्शक मेरे ख्याल से लोगों को काफ़ी काम में आते हैं उनके न सिर्फ उनके पोर्टफोलियो को लेकर बल्कि एक तरह से फाइनेंशियल ज़िंदगी में जो है आप जैसे लोग शामिल हो जाते हैं क्योंकि वो आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं इस शो के ताहिर, वो छोटी अवधि के भी होते हैं, वो लंबी अवधि के भी स्ट्रैटेजीज हमसे जानने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, बाज़ार के लिए ट्रिगर्स ग्लोबल फैक्टर्स अगर हम देखें तो एक रेट कट का है, और उसके अलावा क्योंकि नतीजों का मौसम ख़त्म हो चुका है, फिलहाल जो बाज़ार चल रहा है वो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक चल रहा है, और जो भी ट्रिगर बेस्ड मूवमेंट होती है बाज़ार में वो बहुत लंबी नहीं चल पा रही है क्योंकि बाज़ार फिर कोई और ट्रिगर पकड़ रहा है। दिशाहीन है बाज़ार, ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अब ओवरऑल हमारी घरेलू स्थिति के हिसाब से हम देखें तो हम काफ़ी मजबूत खड़े हुए हैं। डिस्पाइट हमने जो बीच में FIIs के बहुत बड़ा स्पैन देखा था बिकवाली का, उसके बावजूद भी हम खड़े हुए हैं। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ आपसे कि किसी को अगर अपनी पोर्टफोलियो में फ़िलहाल कोई बदलाव करने हैं तो वो किस तरह से करने चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट घरेलू ट्रिगर नहीं है। जितने भी फैक्टर्स हैं वो ग्लोबली शायद प्ले आउट हुए तो हुए, अदरवाइज घरेलू फ्रंट पर हम काफ़ी कंफर्टेबल है। तो क्या आप यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में हल्के हो जाइए और लार्ज कैप में अपना पोजीशन बढ़ा दीजिए, अगर ऐसा आप करना है तो कहाँ कहाँ में फोकस करना चाहिए? स्ट्रैटेजी बेस्ड अगर मुझे आपसे कोई सलाह चाहिए हो या कोई मार्गदर्शन चाहिए हो निवेशकों के लिए, दर्शकों के लिए, तो आप क्या दे पाएंगे? नहीं, तो देखिए, जैसे अभी इकोनॉमिक स्थिति है और आपने कहा कि हमारे लिए घरेलू मामले बहुत ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है, वी आर पोस्टिंग अलोंग रीजनेबली वेल, स्पेशली इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो आई थिंक फोकस एज ऑफ नाउ ये है कि जितना ग्रोथ की हम मतलब अपॉर्चुनिटीज है हमारे सामने मार्केट में उसको एक्सप्लॉइट करें। आई थिंक मैं मानता हूँ कि इन्वेस्टर निवेशकों के ध्यान में रहती है बात की, और बहुत ज्यादा चर्चा इस बात की पर होती है कि चाहे क्या ये मिड कैप से स्मॉल कैप सस्टेनेबल है नहीं है, क्या उनकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, वो क्लियरली एक क्वेश्चन मार्क रहता है। और उसके लिए हमें हमारा ड्यू डिलिजेंस करना होता है, और हम पोर्टफोलियो लेवल पे हम एज अ प्रोफेशनल मैनेजर हम ये कर सकते हैं। अगर आप एज अ इंडिविजुअल निवेशक भी आप अपनी तरफ से वो ड्यू डिलिजेंस कर पाए या स्टडी कर पाए तो अच्छी बात होगी। अगर वो नहीं करते तो क्लियरली आप प्रोफेशनल हेल्प
के द्वारा आप निवेश कर सकते हो. सो दैट इज ऑब्वियसली द ऑप्शन व्हिच इज अवेलेबल. बट मैं कहूंगा कि ये माहौल ऐसा नहीं है जहाँ पे मतलब आपको बहुत ज्यादा नर के रहने की जरूरत है. देर आर पॉकेट्स ऑफ द मार्केट जहाँ पे थोड़ा ओवर एक्सटेंशन है और हमें उसमें ध्यान रखना है या शायद उसको अवॉइड भी करना है. लेकिन देर आर पॉकेट्स ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द मार्केट जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल भी है. और शायद इस समय जो मार्केट में एंथुजियाज्म है और जो वैल्यूएशन हमारे सामने आते हैं वो हमें यही कहते हैं कि देखिए आपके यहाँ से दो चीजें करनी होती हैं कि रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हम थोड़ी और मॉडरेट कर दें. जो हमने पिछले 12-18 महीने में जो रिटर्न्स देखी है शायद इंडिविजुअल स्टॉक्स में या एग्रीगेट इंडेक्सेस वगैरह वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसकी हम आगे जाके भी हम वही लेवल के रिटर्न हम कमा पाएंगे. आई थिंक इट विल बी मच लेसर देन दैट. लेकिन फिर भी एक हेल्थी रिटर्न की हम सब अपेक्षा करते हैं और उसके लिए हमें पोर्टफोलियो का ठीक से बैलेंस और चयन करना चाहिए. तो आई थिंक वो एक चीज है. और दूसरी ये बात है कि हमें इन्वेस्टमेंट होराइजन को भी अब हम 6 या 12 महीने के परस्पेक्टिव से नहीं देख सकते, स्पेशली एट दिस लेवल ऑफ द मार्केट. एक लॉन्गर टर्म कॉल लेना आवश्यक हो गया है. बट ये भी है कि इंडिया की एक जो अपॉर्चुनिटी है वो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आई थिंक एक बहुत बड़ा ऑप्शन ही हमारे सामने एज ऑफ नाउ अवेलेबल है. तो उससे हमें कंफर्ट लेना चाहिए. आई डोंट थिंक उससे हमें घबराने की जरूरत है. दैट इज स्टिल इन आवर हैंड्स. एंड कुछ कुछ डेवलपमेंट्स होते रहेंगे शायद लोकल या इवन ग्लोबल डेवलपमेंट्स. बट लॉन्गर कोर्स आई थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटी इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग. सो मैं नहीं कहूंगा कि हम बहुत ज्यादा इस बात पे अटेंशन दे रहे हैं राइट नाउ कि मिड कैप स्मॉल कैप को डिजर्ट करके हमें लार्ज कैप पे जाना चाहिए. या कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमें कभी कभार अपॉर्चुनिटीज अच्छी अपॉर्चुनिटीज लार्ज कैप में मिल जाती है और बहुत सारी बार मिड स्मॉल कैप्स में तो आती रहती है स्पेशली इन द करंट माहौल. तो आई थिंक हम एक बैलेंस्ड अप्रोच ले रहे हैं. हम कम्प्लीटली एक ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं. ऐसी हमें कोई अभी इतनी ज्यादा परेशानी वाली परिस्थिति नहीं दिख रही है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा रिस्क अवर्जन करने की जरूरत है. लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट, तो उस पर नजर रखना डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है. बट एक तरीके से एकदम सिग्निफिकेंट रिस्क अवर्जन या रिस्क ऑफ अप्रोच लेना भी शायद मेरे हिसाब से इट्स